नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। यूं तो वर्तमान राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक अध्यादेश जारी कर यह बात सभी थाना SHO और जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि जिस भी थाना अधिकारी के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शराब व्यवसायी अगर 8 बजे बाद शराब का व्यवसाय करते पाए गए तो उन पर एक उचित कार्रवाई होगी। लेकिन यहां तो विशेषतर देखने को मिलता है कि उदिया पुल चौराया जो कि सूरजपुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक शराब व्यवसायी है जो एक बड़े नाले के पास मर खुले मार्ग पर मुख्य मार्ग में उनकी शराब की दुकान है, जो आज एक ऐसे दिन पर शराब व्यवसाय करते मिले पाए गए हैं जिनका वीडियो हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, यह उसी दुकान का वीडियो है जो इंग्लिश वाइन की दुकान है और एक खुले नाले के पास में होने की वजह से उनको एक विशेष फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से वे दुकान के आगे से तो शटर बंद रखते हैं लेकिन पीछे उनने एक खिड़की बना रखी, उस खिड़की के माध्यम से शराब बेचने का काम करते पाए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बनता है कि एक और पूरा देश आज 30 जनवरी होने से शहीद दिवस मना रहा है, क्योंकि आज के दिन महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के ने, और उसी दिन को आज एक शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आज ड्राई डे है, मतलब ड्राई डे मतलब ये हो गया है कि पूरे दिन ही आज शराब का उपलब्ध होना दुकानों के माध्यम से, क्योंकि आज सवेरे से ही निर्देशों के अनुरूप दुकानें आज शराब की जो दुकानें वो बंद रहती है। ऐसे में इस दुकान का खुला रहने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज ड्राई डे है, क्योंकि आज शहीद दिवस के तौर पर 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ऐसे में जहां 8 बजे बाद सामान्यतः राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की बात करें तो दुकानें शराब की बंद रहती है, लेकिन यहां तो 8 भी बज चुकी है, 8 बजे के बाद का ये वीडियो है, 8:30 से 9 बजे का अभी वीडियो है। और उसके पश्चात सबसे बड़ी बात यह कि आज ड्राई डे होने के बावजूद भी इस दुकान का खुला रहना और बैक डोर से जो बैक में इस दुकान की एक खिड़की है उस खिड़की के माध्यम से शराब का बेचान करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अब देखने वाला विषय है कि किस प्रकार की क्या कार्रवाई होती है।